हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में, खासतौर से थर्ड ईयर के लिए जिनका एग्ज़ाम होने वाला है अभी ग्रेजुएशन का। तो उसमें बहुत चीज़ें सामने आ चुकी हैं अब तक कि शायद MCQ ही होगा, या अगर अदर कोई विकल्प भी बनता है तो अगर डिस्क्रिप्टिव भी वो करेंगे तो कम से कम इतना तो कन्फर्म है कि तीन पेपर में से एक ही पेपर बनाना है, यानी तीनों पेपर को मिला के। जैसा सबको मालूम है कि फिजिक्स में तीन पेपर हैं और तीनों पेपर को मिला के एक पेपर बनेगा, तो चाहे वो डिस्क्रिप्टिव बने, चाहे मल्टीपल चॉइस बने, जो भी बने, हमारा सिलेबस तो रिड्यूस होने वाला है और रिड्यूस होगा क्योंकि तीनों पेपर में जितनी यूनिट हैं उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कितने क्वेश्चन वो देंगे, तीन घंटे का पेपर होगा या दो घंटे का पेपर होगा, जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से सिलेबस जहाँ तक और रिड्यूस होगा, वो अपने से सोचने की ज़रूरत है कि उतना बड़ा सिलेबस एक पेपर में कोई ले नहीं सकता। जहाँ वो तीन पेपर में डिवाइड था और उस तरीके से उसको कराया जा रहा था कि तीन पेपर के थ्रू होगा, तो जब सिंगल पेपर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। वो अब यहाँ समझने की बात ये है कि उसमें क्या वो छोड़ सकते हैं, क्या वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ये अब सोचने वाली बात है कि हम किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ें, वो किसको माइंड करेंगे ज़्यादा, किन चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो पेपर बनाने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, वो समझदार और बड़े लोग हैं। तो जो पेपर बनाएंगे वो कम से कम इस चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे कि एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करके आगे जा रहा है, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, तो उसे कम से कम ग्रेजुएशन की नॉलेज होनी चाहिए, एक स्तर होना चाहिए उसका, उसी हिसाब से वो करेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि जितनी भी चीज़ें हैं सब या इंटर से रिलेटेड या सारी चीज़ें जो कुछ कनेक्टेड हैं ग्रेजुएशन में भी, वहाँ से वो क्वेश्चन पुट करें और आप उसका आंसर दें तो वो GSE का लेवल नहीं होगा। जहाँ तक हमें लगता है कि फिजिक्स में ख़ास तौर से कोई इतना दया दृष्टि वाला नहीं होता कि आपको इजी सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा दें और आप आसानी से निकल लो, कम से कम इस सब्जेक्ट में तो नहीं है। जहाँ तक हम लोग देखे हैं कि फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो सिलेक्शन कौन सा होगा वो हमें सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम बहुत सारी पढ़ाई कर लें और वही क्वेश्चन ना कर पाएँ जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा अक्सर कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी दिक्कत हो जाती है कि हमें बहुत कुछ आता रहता है लेकिन वही चीज़ नहीं आती जो ज़रूरी है, तो उस पर फोकस करेंगे और हम बताएंगे और धीरे धीरे सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से सिलेबस और रिड्यूस हो सकता है। जो पहले से रिड्यूस किया गया है वो तो है ही है, उसके बाद भी अब रिड्यूस होगा क्योंकि तीन पेपर के पूरे सिलेबस को एक सिंगल पेपर बनाना, चाहे वो MCQ बनाए चाहे वो पूरा पेपर बनाए, दोनों के लिए संभव नहीं है क्योंकि वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे इसका भी कोई खास आइडिया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा देंगे भी नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी तक इधर हुआ नहीं है। लेकिन हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, वो किस तरीके से हो सकता है। तो आसान चीज़ें तो लगभग माइंड में रहती ही हैं, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल थर्ड ईयर का सिलेबस है उस पर विशेष फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोई भी आपका एग्ज़ाम कराना चाह रहा है वो यही सोच के करा रहा है कि ग्रेजुएशन आपकी अच्छे से हो और आप आगे के लिए तैयार हों। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता हो, आप ग्रेजुएट हो जाओ फिर आगे आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए। तो दिखते हैं, अभी बात करेंगे उस बारे में और धीरे धीरे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं थर्ड ईयर के लिए ही, तो थर्ड ईयर में आपका तीन पेपर है। जो फर्स्ट पेपर है वो है रिलेटिविटी, ये हम विद्यापीठ के बारे में बता रहे हैं MGKBP के लिए, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से रिलेटेड है ये। तो अदर में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे लेकिन जो प्रोसीजर या सिलेक्शन हो सकता है वो इसी टाइप से होगा। आप खुद से सोच सकते हो कि अगर किसी का टेस्ट लेना है तो आप उसी लेवल से टेस्ट लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको इंटर का किसी का टेस्ट लेना है तो आप उसे हाई स्कूल के क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपको एक मौका मिलेगा कि आपको 10 की जगह 2 क्वेश्चन पूछने हैं, अगर 10 क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप चाहोगे कि थोड़ा सा हाई स्कूल से भी पूछ लें थोड़ा सा इंटर से भी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछो, मतलब बहुत कम, जैसे यहाँ तीन पेपर से एक पेपर हो रहा है, तो जाहिर है कि सिलेबस बहुत सेलेक्टेड होगा, जो इम्पोर्टेंट है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि आपका टेस्ट है यहाँ वो भी मल्टीपल के थ्रू या जो भी हो। तो रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो ये था। तो इस पेपर में क्या है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, रिलेटिविटी आपका एक यूनिट था,
यूनिट फर्स्ट और सेकंड से लेके फोर्थ तक ये तीनों यूनिट आपका स्टैटिस्टिकल से था और ये पूरा पेपर कवर करता था 65 मार्क्स का। उसी तरीके से जो दूसरा वाला सेक्शन था सॉलिड स्टेट, दूसरा पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आपका 70 मार्क्स था और उसमें दो यूनिट ये था, यूनिट फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड और फोर्थ। थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसकी चारों यूनिट यहीं से थी, चारों यूनिट, और ये पेपर भी 65 मार्क्स का था। इस तरीके से ओवरऑल ये 200 होता है और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है थर्ड ईयर में। तो अब देखिए कि इसके सिलेबस में क्या हो सकता है, कुछ चीज़ें कटी थी लेकिन बहुत ज़्यादा शायद फिजिक्स में रिडक्शन नहीं हुआ था, तो उस हिसाब से यहाँ और रिडक्शन की अब उम्मीद की जा सकती है। जैसे रिलेटिविटी यहाँ बिल्कुल नई चीज़ थी थर्ड ईयर के हिसाब से, तो यहाँ से क्वेश्चंस हटने की उम्मीद नहीं है। रिलेटिविटी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है, तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालिए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटिविटी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में तीन यूनिट है, अब इस तीन यूनिट में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होंगे ये सोचने वाली बात है। तो तीन यूनिट में एक यूनिट आपका बेसिक था, लेकिन ये पूरा पेपर ही आपका बिल्कुल डिफरेंट था, आप पढ़े नहीं थे पहले से, तो लगभग सारी चीज़ें ही इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। ये है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा यहाँ बेसिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पुटअप होंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों को जानते नहीं, मैक्रो स्टेट हो चाहे माइक्रो स्टेट हो, मैक्रो स्टेट से रिलेटेड हो या चाहे मैक्रो हो, इन सभी चीज़ों का कोई भी कंपार्टमेंट या पार्टिकल दे देगा इस तरीके से और उसको बताना, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से नहीं जानते हो, तो इसकी सेकेंड यूनिट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है, थर्ड भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ आप देखेंगे अगर, तो फोर्थ में कुछ चीज़ें सेलेक्टेड हैं, जैसे मैक्सवेल बोल्टेजमान जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें वेलोसिटी के कई सारे रिलेशन हैं, आरएमएस स्पीड और उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और उसमें था आपका एवरेज स्पीड, इन तीनों में रिलेशन, तो अक्सर पूछ देता है इन तीनों में कौन बड़ा है, चार ऑप्शंस मिल जाएंगे आपका वी एवरेज, और उस तरीके से कौन सा बड़ा है, वी एवरेज बड़ा है या वी बार बड़ा है या वी आरएमएस बड़ा है, यानी आरएमएस वेलोसिटी बड़ी है या एवरेज वेलोसिटी बड़ी है या ये वाली वेलोसिटी बड़ी है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो भी डेरिवेशन था वो तो अब गया, डेरिवेशन तो हमें करना नहीं है, ऐसे ही बहुत सारा सिलेबस कम हो गया, हमें सेलेक्टेड पढ़ना है। मैक्रो माइक्रो के लिए आप समझ सकते हो दो पार्टिकल, तीन दो कंपार्टमेंट, चार पार्टिकल, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, मैक्रो और माइक्रो पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें कॉमन है, बहुत आसानी से इसको पूछा जाएगा क्योंकि ये बेसिक है और यहाँ से बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये आपने प्रीवियसली कभी पढ़ा नहीं है, पहले आपके कोर्स में कभी भी नहीं रहा है। तो यहाँ से लगभग सारी यूनिट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर की, यहाँ कुछ भी आप पीछे से नहीं पढ़े हैं। हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेसिक से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और लास्ट यूनिट में आपका सेलेक्टेड होगा, जैसे ये तीनों वेलोसिटी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, कर्व के बारे में थोड़ा सा जानते रहिएगा, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल्स के लिए ये दोनों चीज़ें पढ़े हैं, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और दोनों में हम कुछ डिफरेंस पाते हैं जो इनका कर्व आता है, इन चीज़ों पे फोकस रखिएगा, कुछ जो भी है, तो वेलोसिटी और स्पीड में कुछ डिफरेंस आता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम वहाँ दिखाते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कौन सा कर्व कैसा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं टेम्परेचर और वेलोसिटी के रिलेशन से, जो इन्हीं तीनों से होके आएगा। तो मैक्सवेल्स के एप्लीकेशन, मैक्सवेल बोल्टेजमान डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि उसका NI क्या होगा, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसकी एनर्जी क्या होगी, NI, फिर उसके साथ EI जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो चीज़, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट, तो आपको एक तरीके से उसका एक बेसिक नोट्स फिर से तैयार करना होगा। अभी टाइम है, कम से कम एक महीने डेढ़ महीने टाइम है, तो चाहें तो आप पूरी यूनिट को एक तरीके से उठाएं और वन लाइनर टू लाइनर करके एक फॉर्मूले वाइज्ड एक नोट्स बनाएं
जैसे आप जनरल जीके वगैरह के लिए पढ़ते हैं वैसा बनाएंगे और फॉर्मूला लिखिए डायरेक्ट और उसको याद रखिए। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है वो आपसे पूछ देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ही क्या है, Ni इक्वल टू ए टू द पावर माइनस बीटा ई आई, या फर्मी डिराक के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, पार्टीशन फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डेरिवेशन तो करना नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए ऐसा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आपका बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स आता है, फिर सेम पैटर्न आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन फंक्शन, और उसके बाद फर्मी डिराक में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो उसका एक्सप्रेशन आता है और फर्मी लेवल का जो डायग्राम है वो वाला, और फर्मी एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन है वो मत छोड़िएगा, न्यूमेरिकल्स वहाँ से बनते हैं, एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है, और वो दोनों में है, सॉलिड स्टेट में भी है, सेकेंड पेपर में भी है, तो फर्मी को नहीं छोड़ सकते, फर्मी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पेपर में अमूमन आपको सारी यूनिट को लगभग पकड़ के रखना है, क्योंकि सब कुछ नया है, इस यूनिट में बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, सेकेंड में जब आएंगे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट ऑफ सॉलिड केमिस्ट्री में पहले से पढ़ रखे हो, इंटर लेवल पे बाकी चीज़ें बहुत सारी हैं जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, एससी बीसीसी या एफसीसी वगैरह, तो इनके रिजल्ट याद रखिए, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, इनके सारे स्ट्रक्चर्स पता हो, उनकी उनका पैकिंग फैक्टर क्या है, उनका एटॉमिक रेडियस क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से भी। लेकिन एक यूनिट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सेकंड वाली है, जो हमें कम समझ में आती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन वगैरह या क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, या उसके बाद जो लैटिस वाइब्रेशन का पोर्शन है, वो वहाँ से जो एक्चुअल बीएससी का कोर्स है, जो एससी बीसीसी एफसीसी या डायमंड स्ट्रक्चर या एनएससीएल स्ट्रक्चर था, ये सारा चीज़ आप पहले से पढ़े हो, तो ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे यहाँ पे, जितना नीचे वाला होगा, वो आना चाहिए ठीक है, लेकिन उस स्तर से ध्यान दीजिए कि थर्ड ईयर है तो वो कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके पास लैटिस वाइब्रेशन ऑप्शन में है, उनके पास क्रोनीपेनी मॉडल ऑप्शन में है, ब्लॉक फंक्शन ऑप्शन में है, तो वहाँ से वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ब्लॉक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा बेसिक पे ही मत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक स्टैंडर्ड बने और सबकी बेसिक प्रिंसिपल गायब हो जाए। इसके यूनिट फर्स्ट में ज़्यादातर चीज़ें वही हैं, लैटिस लैटिस पॉइंट, ग्रुप सिमेट्री, सिमेट्री ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें। तो अगर ईजी पेपर बन जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, हमें दोनों पोर्शन ध्यान देना होगा, उधर वाला भी और नेक्स्ट वाला भी। तो रिडक्शन यहाँ दिख रहा है, एक तो पूरी की पूरी थ्योरी हमें नहीं पढ़नी है, पूरा का पूरा थ्योरी साइड में है, उसको हमको केवल वन लाइन करके देखना है, उनका रिजल्ट हमको देखना है, उस तरीके से चलना होगा, और ये आपके कंपटीशन के लिए भी बेहतर होगा आगे। तो एक नोट्स आप बना सकते हैं, डेढ़ महीना बहुत होता है, उसको रोज़ रेगुलर अगर बनाएं तो धीरे धीरे एक नोट्स आप प्रिपेयर कर पाएंगे, जो एंट्रेंस के लिए भी सही रहेगा और इसके लिए भी। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपका स्टार्टिंग सेक्शन जो फर्स्ट यूनिट का है इसका, यानी पेपर का थर्ड यूनिट, वो भी ज़्यादातर इंटर का है, जो थर्ड यूनिट है उसमें मॉडल्स को अगर हम छोड़ दें, न्यूक्लियर मॉडल और सेल मॉडल को, तो ज़्यादातर पोर्शन उसमें इंटर का ही है, तो उसको थोड़ा सा लाइटली लीजिए। यहाँ ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देना है तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए, बस कहने की चीज़ यही है कि मॉडल पे ध्यान दीजिए, मॉडल नई चीज़ है, वो फोकस रहिए उस पर। नेक्स्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर और उसके साथ साथ जितने भी डिटेक्टर और वो सब है, वान डे ग्राफ जनरेटर, एक्सेलरेटर, डिटेक्टर, दोनों पे फोकस रखिए। एलिमेंट्री पार्ट के लिए इसका लास्ट, अगर क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे तो फोर्थ यूनिट से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, थर्ड यूनिट के चांसेस कम है, मॉडल है वहाँ इम्पॉर्टेंट और कुछ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड वो चीज़ें हैं, बाकी तो डेंसिटी या ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, ये आपका स्तर नहीं है, आप फाइनल ईयर में हो, इस हिसाब से सोच के एग्ज़ाम होगा जो भी लोग करेंगे, तो उस हिसाब से इसमें आप तय कर सकते हो किन चीज़ों को पढ़ें और किन चीज़ों को छोड़ें, या किसको इम्पोर्टेंस दें, कहाँ पे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर देखें तो बहुत सारा हिस्सा आपका फर्स्ट ईयर से मिलता है, बहुत सारा हिस्सा आपका फर्स्ट ईयर से इसमें है, फीडबैक हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, उसकी वर्किंग हो,
बहुत सारा हिस्सा वहाँ से मिलता है, तो वो वहाँ से क्वेश्चन क्यों करेंगे? आप अपने से सोचिए कि ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चंस पुट अप होंगे, वहाँ से भी वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो कुछ एक सिलेबस वहाँ से, जैसे आपका यूनिट 4, यूनिट 3, ये बिल्कुल नई नई टॉपिक्स उसमें हैं बहुत सारी। तो नई चीज़ों को ना छोड़िए, मेन मकसद यही था मेरा कि इसमें सिलेक्शन में ये ध्यान रहे कि जो हल्की फुल्की जो पहले की इंटर की चीज़ें हैं वहाँ से थोड़ा सा कम ध्यान दे के जो रियल थर्ड ईयर का कोर्स है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन घट रहेंगे। पूरे सिलेबस में से तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता, उतना पेपर कहाँ से बनाएंगे, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो वो रिड्यूस करेंगे, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे ही तो एक पेपर से बना सकते हैं, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देंगे। तो मेन फोकस रखिए कि थर्ड ईयर का जो रियल सिलेबस है एक्चुअल, उस पर विशेष ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन फोकस कई सारा टॉपिक्स है आपका, ज़ेफेड, मॉसफेट, करेक्टरिस्टिक कर्व वगैरह। तो यहाँ से दिखेगा, इसमें आपका वोल्टेज वगैरह भी पूछ सकता है, गेट वोल्टेज, या आगे था इसमें आपका पिंच ऑफ वोल्टेज, कई टर्म हैं ऐसे ऐसे जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप पढ़े होंगे थ्योरी के दौरान, इनका पिंच ऑफ वोल्टेज निकालना, मॉसफेट और जेफेट दोनों के लिए आउटपुट इनपुट का करेक्टरिस्टिक, वो 3-4 ग्राफ भी करके आ सकता है इसमें कौन सा सही है ऐसा ऑप्शन करके। या फिर इसके बाद आप रेक्टिफायर में पढ़े हो, एस सी आर, तो ये है थर्ड ईयर, एस सी आर है आपका, यूज़ 80, ये सारी चीज़ें थर्ड ईयर से हैं, इनको कोई मिस क्यों करेगा? अगर आपसे ये चीज़ें उम्मीद नहीं करेगा वो तो क्या करेगा? थर्ड ईयर पढ़ रहे हो, मॉसफेट, जेफेट, तो ये चीज़ें आनी चाहिए। ट्रांजिस्टर उतना इम्पोर्टेंट यहाँ के लिए नहीं है, ट्रांजिस्टर फर्स्ट ईयर में था अच्छे से, यहाँ भी है और अच्छे से। तो फीडबैक वगैरह लिख सकते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर से जुड़ी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक नोट्स बनाइए धीरे धीरे, उसमें वन लाइन ढूंढते हुए सारी चीज़ें बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। हमारा कट ऑफ से रिलेटेड क्या है, मॉसफेट में या जेफेट में, चाहे SCR में हाफ वेव की इफ़िशियंसी कितनी है, फुल वेव की इफ़िशियंसी कितनी है, ये अगले से कितना बेहतर है ना, साधारण डायोड और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सारा उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेन हमें फोकस इसमें यही रखना है कि आपको थर्ड ईयर की सिलेबस पकड़ के रखनी है, बाकी बेसिक चीज़ें भले थोड़ी सी हिल जाए फ़िलहाल के लिए वो चलेगा, लेकिन जो मेन कोर्स है क्वेश्चन वहीं से पुट अप होंगे। जो भी क्वेश्चन बनाएगा वो थर्ड ईयर का पेपर बनाएगा, न कि वो इंटर का पेपर बनाएगा कि आपसे पूछेगा कि न्यूक्लियर की डेंसिटी बता दो, या फिर सिंपल क्यूबिक का एफिशिएंट वो बता दो, पैकिंग फैक्टर। तो इतनी आसान चीज़ें नहीं आएंगी, कम से कम NaCl या डायमंड ये हो सकता है, लेकिन बहुत बेसिक चीज़ें नहीं आएंगी कि आपसे बेसिक में पूछ दे कि BCC का एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दो या BCC का रेडियस बता दो, तो ये सारी चीज़ें उस लेवल के लिए नहीं है। हाँ, एज ए होल था तो वो पूरा कोर्स था, लेकिन यहाँ के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। तो माइंड में दोनों चीज़ रखिए, अगर पैटर्न जैसे अभी पूरी सूचना नहीं आई है तो अगर वो रिस्क्रिप्टिव भी लेते हैं तो इसको, अगर आपके पास समय हो तो वन लाइनर के साथ साथ अपनी पूरी थ्योरी भी कवर करिए अगर आप उतना टाइम निकाल पाए। लेकिन उसमें भी ध्यान यही रखिए कि जो मेन मुद्दा है वो अपना होल मेन सिलेबस है, साइड सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो 3 का 1 तो करेंगे ही, चाहे वो विकल्पी बनाएं चाहे वो एक सिंगल डिस्क्रिप्टिव पेपर बनाएं, 3 पेपर तो वो कराएंगे नहीं, इतना तो वो आदेश के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते कोई भी यूनिवर्सिटी के लोग कि वो पूरा का पूरा पेपर करा ले, 3 को 1 बनाना ही है उन्हें, तो जाहिर सी बात है सिलेबस कम होगा। 3 पेपर का पूरा सिलेबस पकड़ के पेपर बनाएंगे तो पेपर कितने घंटे का होगा आप समझ सकते हैं, तो इतना बड़ा लंबा कोई पेपर नहीं बनने वाला, पेपर तो आपका 2-3 घंटा यही होगा। तो उस हिसाब से आप सिलेबस विशेष रूप से ध्यान दीजिए जो थर्ड ईयर का है, और उसके हिसाब से नोट्स और उसके हिसाब से न्यूमेरिकल्स। जैसे रिलेटिविटी में अगर हम बात करें रेगुलर रिलेटिविटी का, तो रिलेटिविटी में काफ़ी फॉर्मूले आते हैं, आपका टाइम डायलेशन से क्वेश्चन बन सकता है, लेंथ कंट्रैक्शन, किस चीज़ें छूट रही थी, लेंथ कंट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, टाइम डायलेशन सब फेवरेट क्वेश्चन है, एंट्रेंस हो चाहे कुछ भी हो, टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, इसके बाद आपका आइंस्टीन्स मास इनर्जी रिलेशन,
ई बराबर एम सी स्क्वायर से रिलेटेड, फिर मास वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी एम एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और बाकी लोरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें एक्सेलरेशंस आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे रिलेटेड थ्योरीज और उसका ड्रॉबैक क्या है गैलीलियन का या लोरेंट्ज़ का, और इस पे आधारित क्वेश्चन आपकी टोटल इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी, रेस्ट मास इनर्जी, इन सब से रिलेटेड आपको वेलोसिटी दे देगा सिंपल। फिर पूछेगा मूविंग मास कितना होगा, या मूविंग मास रेस्ट मास पता है, वेलोसिटी कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है रिलेटिविटी के अंतर्गत। तो रिलेटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बनेगा जो भी पेपर बनाएगा, नहीं छोड़ सकते उसको क्योंकि पूरी तरह से नया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं छूटना चाहिए, ना छूटेगा आगे, तो इस ये चीज़ें हैं ही नहीं, इसके काफ़ी आगे की चीज़ें पढ़नी है। तो बीएससी लेवल पे ये सारी चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो आगे के लिए दिक्कत होगा। तो जो भी पेपर बनेंगे तो सेलेक्टेड होंगे इस तरीके से पूरा, तो इस तरह से कर सकते हैं। और स्टेटिस्टिकल में जब आएंगे तो मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट, ये सारी चीज़ें निकालने आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, चाहे वो तीन कंपार्टमेंट हो, दो कंपार्टमेंट हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। थ्योरी में भी क्वेश्चन उस तरीके से आएंगे कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पर इंक्रीज़ करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, ये सारे नेचर पार्टीशन फंक्शन, तो कुछ टर्म ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ लीजिए कि आने वाले हैं, उन चीज़ों को नहीं छोड़ा जा सकता जो बिल्कुल नया है। तो तीन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक से रिलेटेड, उनका उन सभी का डिफरेंस देखिए, एक कॉलम बना के हर बुक में लगभग दिया होगा, उन कॉलम से उन चीज़ों को रट लीजिए पूरा, जितना भी NI GI उसमें सारा कुछ दिया होगा, कैसे नंबर ऑफ सेल्स निकालेंगे, कैसे सारी चीज़ें, तो एक क्रमबद्ध तरीके से वहाँ डिफरेंस करके भी लिखा होगा, वो आपको ऑप्शन में बहुत काम आएगा MCQ वाले में। बाकी बुक्स के लास्ट में भी काफ़ी सारे MCQ दिए होते हैं, तो वहाँ से भी आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ज़्यादातर वहाँ से आप पा सकते हैं जो एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। तो बुक्स में लास्ट में लगभग हर बुक में MCQ मिल जाता है, कब मिलेगा लेकिन रहता है, 2-4-10 हर चैप्टर में मिलेंगे, कुछ आप थ्योरी से कवर कर लोगे इस हिसाब से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा और ये मेहनत आपको काम आएगी आपके आगे के लिए, आपके एंट्रेंस के लिए। तो अच्छे से इसको करिए, यहाँ भी बेहतर होगा और आगे भी बेहतर होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।